देशात आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं जातं, मराठ्यांना आरक्षण दिलं जातं, मुस्लिम समाज ही मागासलेला आहे पण त्यांना आरक्षण नाही, हा कुठला न्याय असा सवाल एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजप सरकारला केलाय. काँग्रेस पक्षाचं अस्तित्व संपत चाललंय, त्यामुळे महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण झालीये, ती पोकळी एमआयएमच भरून काढू शकतो असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. एमआयएमच्या पुणे कॅन्टोनमेंट मधील उमेदवार हिना मोमीन, वडगाव शेरी येथील डॅनियल लांडगे आणि हडपसर येथील जहीर शेख यांच्या प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या सभेत ओवेसी बोलत होते. त्यावेळी खासदार इम्तियाज जलील, पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अकिल मुजावर यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भरत कांबळे यांनी पक्षात प्रवेश केलाय. त्यावेळी एमआयएमच्या नेत्यांनी सरकारवर प्रखर टीका केली, सोबतच आघाडीवर देखील हल्ला बोल केलाय. काँग्रेसची परिस्थिती वाईट झाली, जगातील सर्वात मोठं कॅल्शियमचं इंजेक्शन दिलं तरी हा पक्ष आता उभा राहू शकणार नाही, पक्षाला नेता राहिला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पक्षाचा कॅप्टनच पळून गेलाय, जे आहेत ते लढाईला तयार नाहीत, अशा शब्दात ओवेसी यांनी काँग्रेसची खिल्ली उडवली. काँग्रेससह भाजप शिवसेनेवर टीका करताना ते फॅसिझमचं राज्य आणू पाहतायत असा आरोप देखील ओवेसींनी केला आहे. अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो कुछ हो जाएगा, याद रखो कांग्रेस बिल्कुल अब कमजोर हो चुकी है. अब कांग्रेस को आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन भी देंगे तो कांग्रेस में जान आने वाली नहीं है. कांग्रेस में नहीं जान आने वाली है. कांग्रेस जो है अब नीचे जा रही है. अब कांग्रेस को कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि जब कांग्रेसी खुद उठने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, उनमें वो तमाम फिकर जमहूरियत की, संविधान की बचाने की अब नहीं रही, ये अब नीचे की तरफ जा रहे हैं. और मैं हर जलसे में इस बात को कह रहा हूं कि अगर समंदर में कश्ती डूबती है तो सबसे पहले जो समंदर उस कश्ती का जो कैप्टन होता है, वो उस कश्ती में जो लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करता है कि भाई तुम पहले जाओ, ये लाइफ बोट लो, अपनी जान बचाओ, निकलो यहां से. मगर ये वाहिद पार्टी है जिसका कैप्टन पार्लियामेंट के इलेक्शन के नतीजे आने के बाद अपनी डूबती हुई जलती हुई किश्ती को छोड़कर पहले साहिल पर कूद गया.